देहरादून आए हो और यहाँ नहीं आए हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब वो आपको ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ आ गया। नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी जहाँ जाया हूँ व्लॉगिंग करने दोस्तों, मतलब वहाँ इतनी भीड़ है, मैं भीड़ देखता रह गया और मेरी साइकिल यहाँ घुस गई है। आप देख सकते हैं मेरी साइकिल कहाँ खड़ी है। आज मैं साइकिल पे आया हूँ, मेरी साइकिल यहाँ घुस गई है, मैं भीड़ देखता रह गया। तो दोस्तों आज मैं जहाँ पे आया हूँ उसका नाम है कुमार स्वीट शॉप, देहरादून की बहुत पुरानी जानी पहचानी और हर मतलब देहरादून में ऐसा कोई इंसान है जिसने यहाँ का टेस्ट करा ना हो। खैर वो बात अलग है। तो दोस्तों आज हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि क्यों कुमार स्वीट शॉप इतना फेमस है। खैर पुराना तो बहुत है, मेरे पिताजी मुझे ला के खिलाया करते थे जब मैं छोटा था, यहाँ की रसमलाइयाँ, यहाँ की मिठाइयाँ। तो आज मैं पहली बार यहाँ खुद आ रहा हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे कैसा है, यहाँ का क्या वैरायटीज़ है, क्या फेमस चीज़ है और क्या टेस्टी चीज़ है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कुमार स्वीट शॉप पे, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों जब आप कुमार स्वीट शॉप पे आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा लाइक पूड़ी भाजी एंड छोले भटूरे, मतलब एक सेपरेट एरिया इन्होंने हर चीज़ का दिया है। तो आपको छोले भटूरे खाने हो, पूड़ी भाजी खानी हो, कुछ भी नमकीन खाना हो तो उसका एक इन्होंने सेपरेट एरिया दिया है। ये सेपरेट सिटिंग एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आप बाहर भी है और सिटिंग एरिया अंदर भी है, तो एक सेपरेट एरिया दिया गया है इसी के साथ। और आप देख सकते हैं ये है कुल्फी एवं चाट, तो मतलब चाट के लिए भी एक अलग ब्लॉक है, देख सकते हैं आप, उसके लिए भी एक अलग एरिया है। और अब बारी है स्वीट्स, स्वीट्स के लिए भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है और अलग ही सिटिंग एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे में सिटिंग एरिया है, आप देख सकते हैं अंदर भी है सिटिंग एरिया। यहाँ पे कस्टमर्स मौजूद हैं जो कि आई थिंक रसमलाई खा रहे हैं। तो दोस्तों उनसे पूछता हूँ कि वो कैसा लगता है उन्हें यहाँ का। तो आपका नाम क्या है? आशीष रावत। आशीष, तो आशीष भाई आप पहली बार आए हैं या फिर आते रहते हैं? नहीं, हम लोग अक्सर आते रहते हैं। तो कैसी है यहाँ की मिठाई, मतलब रसमलाई खाते हैं और भी कुछ? ज़्यादातर रसमलाई खाते हैं, बाकी और चीज़ें भी जो है बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी है। चलो मेरा नाम मुकेश है। ये देखिए अच्छी है, इसीलिए मैंने उसके प्लेट से एक निकाल लिया, तीन हो गई है और बहुत टेस्टी है। हम हमेशा आते हैं, बहुत अच्छा बना है। अगर रसमलाई खाना है तो कुमार में। कहीं आए नहीं उसके अलावा, कोई बहुत पुरानी भी अपने शहर की एक। हाँ, मुझे यहाँ 16 साल हो गया और 16 सालों में लगातार आते हैं, हर साल में कम से कम महीने में एक बार तो हो ही जाते हैं। कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी का। रसमलाई का तो रसमलाई बेस्ट, रसमलाई केसर रसमलाई, व्हाइट वाला भी खाना। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर बैठे हैं, मैं उनसे आपका नाम क्या है? मेघा। मेघा, तो मेघा आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली आती हैं? पहली बार? हाँ जी, मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ यहाँ पर। मतलब देहरादून के हो आप? जी। क्या बात, कितने साल से? काफी टाइम हो गया, 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल हो गए। हाँ। खा रहे हो तो क्या, खाली छोला भटूरा या फिर बहुत? नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें मिलती है, लाइक मिठाइयाँ भी मिलती है और हलवा वगैरह, बहुत सारी चीजें, और टेस्ट किया हुआ है। सब कुछ टेस्ट किया हुआ है, काफी अच्छा टेस्ट है यहाँ का, मतलब कि बेस्ट शॉप में से एक आती है ये। और यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करने भी आते हैं, बिकॉज बीच में पड़ती है, मेन मार्केट में है और क्लॉक टावर जो सबसे मेन है वहीं पर आती है, तो काफी लोग आते हैं विजिट करने बाहर से। और हम तो रेगुलरली इधर ही आते हैं जब भी हमें कुछ खाना होता है, लाइक मतलब कुमार स्वीट शॉप बेस्ट है, सब कुछ मिलता है एक ही जगह पर। हाँ, काफी चीजें, वैरायटी काफी अच्छी है, क्विजीन यहाँ का बहुत ही यमी है। तो आप कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को कुछ? हाँ जी, आप यहाँ जरूर आओ और यहाँ का जो फूड है आप कुछ भी ले लो, लाइक स्वीट्स ले लो या कुछ भी फूड, बहुत यमी होता है, सारी चीजें बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे जरूर विजिट करो अगर आप देहरादून आए हो और यहाँ नहीं आए हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब एक तरीके से जर्नी अधूरी है अगर आप कुमार स्वीट शॉप पे नहीं आते हो दोस्तों। तो देहरादून कभी भी आओ, जैसे कि मेघा ने बताया आपको कि देहरादून कभी भी आते हो तो कुमार स्वीट शॉप जरूर आओ और यहाँ का आप कुछ भी टेस्ट करो, लेकिन यहाँ का टेस्ट करके देखो, आपको बहुत अमेजिंग लगेगा। तो थैंक यू सो मच मेघा, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हमारे साथ मौजूद हैं कुमार स्वीट शॉप के ओनर नितिन कुमार जी। तो नितिन सर मैं आपका स्वागत करता हूँ, कैसे हैं आप? नमस्कार। ओके
ओके तो नितिन सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो कुमार स्वीट शॉप है देहरादून में ब्रांड है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कितने साल हो चुके हैं इसे अभी तक? सर 1950 में मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था इसको, एंड आई एम द थर्ड जनरेशन दिस बिजनेस। तो आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन है जो कुमार स्वीट शॉप को चला रही है। और सर आई थिंक मतलब कुछ ही लोग होंगे जिसने कुमार स्वीट शॉप में कुछ आके टेस्ट किया ना हो देहरादून में। मैंने जिससे मतलब बहुतों से सुना है, क्योंकि मेरा भी वो नहीं है, मेरे पापा भी आते थे, तो मैंने बहुतों से सुना है कुमार स्वीट शॉप के बारे में कि लोगों ने मतलब आते हैं स्वीट्स की, और अभी भी मैंने रिव्यूज लिए रसमलाई की इतनी तारीफ हुई है, तो मैं बता नहीं सकता। आपको कैसा लगता है मतलब जो ये कस्टमर्स आते हैं पूरे देहरादून में कुमार स्वीट्स का नाम है, तो मतलब क्या है ऐसा, क्या खासियत है? मैं सबसे पहले लोगों का आभारी हूँ कि उनको हमारे चीज़ पसंद आई। हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का सामान दिया जाए और फ्रेश सामान दिया जाए। तो मेनली इनका जो मोटो है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है कि इनको जो फ्रेश चीज़ें देते हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी में। तो दोस्तों अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा यहाँ का गाजर हलवा और मूंग दाल का हलवा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं गाजर हलवा का टेस्ट करता हूँ कि कैसा लगता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। जैसा मैंने सुना था देहरादून के जनता से कि बहुत लाजवाब टेस्ट है यहाँ का, वैसा ही टेस्ट मुझे यहाँ पे खाने को मिल रहा है। अब दोस्तों अब बारी है मूंग दाल के हलवे की। क्या बात है, मूंग दाल का हलवा भी बहुत टेस्टी है दोस्तों। मैंने भी बहुत जगह खाया है, लेकिन अब तक मुझे मूंग दाल का हलवा कुमार स्वीट शॉप पे ही बहुत बेस्ट लगा। टेस्ट अमेजिंग है और दोस्तों मज़ा आ गया खाने में। पहले मैं खा लूँ, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊँगा और चीज़ों के बारे में। पहले मैं इसे खा लूँगा क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो शॉप के ओनर हैं उन्हें जल्दी थी, कहीं जाना था इमरजेंसी, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं कुमार स्वीट शॉप के मैनेजर कृष्णा सर। तो आपका स्वागत करता हूँ सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, खुशी देख रहे हो आप। तो सर यहाँ का मतलब ऐसा क्या है, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा कि वैसे तो मुझे सारे जवाब आपके आंसर दे दिए थे नितिन सर ने, फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपकी स्वीट्स हैं तो डेली की मतलब कितनी सेल रहती होगी, कितने किलो केजी में हो जाती है? कभी तो 10 किलो बिकती है, कभी 20, कभी 100, उस सीजन के हिसाब से चलता है। सीजनेबल चलता बेटा। और हमारे यहाँ पर ज़्यादा चलती है मिल्क चॉकलेट, बाल मिठाई और हरे लड्डू। वो आपको ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ उत्तराखंड। मतलब खुद का मेड है एक तरीके से। खुद का मेड है और उसका आप, मैं अभी आपको स्वाद दिखाऊंगा उसका, तो आप खुद कहेंगे वहाँ के लाज। क्या बात है, मैं टेस्ट जरूर करूंगा। और ये ब्राउन बर्फी, ब्राउन बर्फी, एक ये बाल मिठाई, बाल मिठाई और एक ये हरे लड्डू। अच्छा, लौकी, लौकी लड्डू, ये लौकी लड्डू। क्या बात है, ये बहुत मतलब फेमस है यहाँ, ये खुद का मेड है ना एक तो भाई हमारा। और इसको ये सिर्फ उत्तराखंड में मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। और ये हरी बर्फी सिर्फ, ये हरे लड्डू सिर्फ हमारे यहाँ मिलेंगे। अच्छा, क्या बात है। आप कहीं वन आपको दिल्ली पता करिए, वहाँ भी नहीं मिलेगा, कहीं मिल नहीं मिल सकता। और जैसे सर अगर डिलीवरी मतलब होती है, अगर कोई ऑर्डर करना चाहता हो सर, यही देने का टाइम नहीं होता डिलीवरी का। डिलीवरी का। तो दोस्तों मेरी मिठाई भी आ चुकी है जो मैं टेस्ट करूंगा, उससे पहले मेरे एक क्वेश्चन आया दिमाग में, तो मेरे को कृष्ण सर ये जानना है कि आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को सर 40 साल पूरे होने वाले। 40 साल होने वाले हैं, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। क्या बात है, मतलब अभी कितनी एज है आपकी सर? मेरे सर 50 है। 50 है, ओह माय गॉड, इतने मतलब इतने 58 है, मतलब 18 साल की उम्र में आप यहाँ पे थे। मतलब एक्चुअली आए तो कॉलेज पढ़ने के लिए, और इनके साथ थोड़ा जैसे अटैचमेंट हो जाता है, मतलब पढ़ाई भी करते रहे और इनके साथ भी जुड़े पार्ट टाइम एक तरीके से करी और आज परमानेंट। क्या बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है, 40 साल। ये तो 40 साल तक एक एक फैमिली वाले नहीं इकट्ठे रह पाते। हाँ, और ना मतलब ये हमको कभी, जैसे इन्होंने कभी वो समझा मतलब टाइप का कि आप सर्विस करते हैं, सर्विस ना हमने इनको कभी मालिक समझा, मतलब बिल्कुल अपना फैमिली वाला हिसाब है। क्या बात, और मतलब सारे लोग तो हमें ही मालिक समझते हैं। तो आपको सारे मिलते ही आओ, क्या बात है। तो सर आप ही हो है ना, आप संभाल रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात है कि कोई 40 साल तक अपना अपना टाइम दे रहा है और अपने आप को यहाँ पे रखा है। सर मैंने आज तक देखा नहीं इतना लॉन्ग टाइम कोई कहीं पे जॉब कर सकता है, कुछ भी है, बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है सर। वही कह रहा हूँ, पूरी मतलब आधी लाइफ दे दी है आपने, आधी लाइफ यही। तो क्या बात है, थैंक यू सो मच सर आपने। मैं अभी पहले ये खाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ, रसमलाई। तो दोस्तों मेरे हाथ में आ चुका है ये आपका क्या था, बाल मिठाई, बाल मिठाई और ब्राउन बर्फी एंड लौकी लड्डू। तो अब मैं ये खा के और आपको बताता हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है। ब्राउन बर्फी, चॉकलेट टाइप है, थोड़ी टॉफी लाइक इग्लेस टॉफी की तरह इसका टेस्ट है, अच्छा लग रहा है मुझे चबाने में, बस इतनी जल्दी खाई नहीं जा रही है।
तो दोस्तों अब मैं खाऊंगा लौकी लड्डू जो कि सिर्फ कुमार स्वीट शॉप में ही मिलता है। अब मैं खाता हूँ। क्या बात है, मतलब आपको ये लगेगा नहीं कि आप लौकी लड्डू खा रहे हो, मतलब बहुत ही टेस्टी स्वीट लौकी को कन्वर्ट कर दिया है लौकी, क्योंकि मैंने लौकी का जूस बहुत ही बेकार होता है, लेकिन ये जो स्वीट है लौकी का लड्डू है दोस्तों बहुत प्यारा लग रहा है खाने में, बहुत मज़ा आ रहा है इसे खाने में। और अब बारी है रसमलाई की, मैं आपको वो भी खा के बताता हूँ कि कैसा लगता है रसमलाई। आइए मेरे साथ, मैं आपको खा के दिखाता हूँ। दोस्तों अब मेरे हाथ में आ चुकी है रसमलाई। रसमलाई का कुछ ऐसा है कि मैंने लगभग 5 साल लगभग हो गए हैं जो मैंने खाई नहीं है। 5 साल पहले खाता था जब मेरे फादर थे मुझे ला के खिलाते थे जब मैं छोटा था, और आज मैं खा रहा हूँ तो देखते हैं क्या टेस्ट बदला है या नहीं बदला है, या वैसा ही टेस्ट है या नहीं। क्या बात है, आज भी वही टेस्ट है जो टेस्ट मैंने 5 साल पहले खाया था, जो मेरे पापा जब मैं छोटा था मुझे खिलाते थे लाके, और आज भी वही टेस्ट है। और जितने भी रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने मतलब जिनसे मैंने पूछा वो भी रसमलाई खा रहे थे, उन्होंने भी बताया मतलब सर मानना पड़ेगा एक टेस्ट को मेंटेन रखना इतने लॉन्ग टाइम बड़ी बहुत बड़ी बात है सर। इसमें सबसे बड़ा ईश्वर का भी योगदान है, स्वाद वो डालता है, हमारी सिर्फ मेहनत है, बाकी सफलता वो देता है। नहीं, ईश्वर भी तो उन्हीं के साथ है जो बिल्कुल साफ दिल से और अच्छी चीजें मतलब खिलाए, कुछ वो ना करे, लेकिन मतलब चीज अच्छी खिलाओ, मिलावटी चीज ना खिलाओ कि जिससे उन्हें मतलब उनके सेहत पे कुछ दिक्कत हो, क्योंकि आजकल के जमाने में तो लोगों को पैसों से मतलब है ना, सही बात है, किसी को दिक्कत हो। इसीलिए हमारे यहाँ दिवाली पे आधे आधे किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। क्या मतलब दिवाली या फेस्टिवल जितने भी आते होंगे ना, लोगों के रक्षाबंधन हो गया कुछ चल रहा है, मतलब टोकन सिस्टम। तो दोस्तों यार टोकन सिस्टम मतलब फेस्टिवल पे अगर आओगे तो देख लेना, जरा जल्दी आ जाना लाइन लगाने। तो दोस्तों फाइनली कुमार स्वीट शॉप पे हमने सब कुछ खाया और आप लोगों को बताया कि कितना स्वादिष्ट है, मतलब आप देहरादून आओगे तो आपकी जर्नी अधूरी है अगर आपने कुमार स्वीट शॉप पे कुछ खाया ना, कुछ भी आइए और खाइए। और कुमार स्वीट शॉप पे अगर आप देहरादून आए तो ज़रूर 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 आइए, आपको घंटा घर के बहुत पास है, आप किसी से वैसे तो आप देहरादून में कहीं भी पूछ लो कुमार स्वीट शॉप, कोई भी आपको बता देगा कि कुमार स्वीट शॉप कहाँ पर है। इसी के साथ दोस्तों मैं आज्ञा लेता हूँ, मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए नमस्कार, बाय बाय।